प्रिंटिंग के बाद जो अगला स्टेप है वो प्रिंटिंग का है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मेरे यहाँ पे दाएं जाने भी ये जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है बेसिकली दो स्टेप से ऑलरेडी गुजर चुका है। इसकी ब्लीचिंग भी हो चुकी है और साथ ही साथ इसकी डीसाइजिंग भी हो चुकी है। डीसाइजिंग का मतलब ये होता है कि पिछला जो हमने प्रोसेस देखा उसमें बेसिकली इसको माया लगाई गई थी, तो माया भी खत्म की गई है, उसके बाद ब्लीचिंग की गई और फिर उसके बाद इसको इन रोलर्स के थ्रू गुजारा जा रहा है। इस बेसिकली प्रोसेस का अगर स्पेसिफिकली नाम बताऊं तो इसको रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रोलर्स लगे हुए हैं ना, इनके ऊपर स्क्रीन्स हैं जो कि डिफरेंट कलर्स दे रही है और डिफरेंट प्रिंट्स दे रही है। जिस जिस तरह से मैं आगे मूव करती जाऊँगी आप देखेंगे डिफरेंट रोलर्स पे डिफरेंट प्रिंट्स हैं जो डिफरेंट कलर दे रहे हैं। यहाँ से पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एंड पे आपको नजर आएगा कुछ हीटर्स होते हैं जो हीट से उनको प्रेस करते हैं और जो उसका परमानेंट कलर होता है वो रह जाता है। सो बेसिकली ये प्रिंटिंग का प्रोसेस, इस तरह से प्रिंटिंग होती है कपड़े पे। सो अभी चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे अगला स्टेप। अभी मैंने आपको दिखाई थी रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ डिजिटल प्रिंटिंग। जैसे कि आप देख भी सकते हैं पीछे आपको रोलर नज़र आ रहा होगा, इस पर ये सफ़ेद कपड़ा है, ये सफ़ेद कपड़ा आगे जाता है, आगे पूरे का पूरा प्रिंट जो है वो इसके ऊपर छप जाता है। बेसिकली जो पिछला तरीकाकार था वो थोड़ा सा एक पुराना तरीकाकार था, ये जो है इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो है ये इसको प्रिंटिंग हेड कहते हैं। प्रिंटिंग हेड के ऊपर बेसिकली पूरे का पूरा प्रिंट होता है जो सफ़ेद कपड़े के ऊपर छाप देता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो होता है प्रिंट डल रहा होता है, और यहाँ पे आगे देख भी सकते हैं ये कंप्यूटर की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से प्रिंट निकलता है। अब डिजिटल प्रिंटिंग मशीन में और जो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन मैंने आपको दिखाई थी, इन दोनों में फ़र्क ही है। वहाँ पे बेसिकली रोलर्स लगे होते हैं, वो रोलर्स जो होते हैं ना वो एक रोलर पे एक प्रिंट आ रहा होता है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि पूरे का पूरा प्रिंट जो है कंप्यूटर से आप लेते हैं। आप पीछे देख भी सकते हैं कि पूरे का पूरा जो प्रिंट है ना वो छप रहा है। सो प्रिंटिंग मशीन में ये जो अभी डिजिटल है इसमें और रोटरी स्क्रीन जो पिछली मशीन मैंने आपको दिखाई थी, इन दोनों में फ़र्क ही है। दूसरी कह लें कि एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बेसिकली कलर की कोई लिमिटेशन नहीं है, नोज़ल एक होती है, नोज़ल से स्प्रे होता है कलर, इसमें कलर्स जितने मर्जी आप रख लें। पिछली मशीन उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम या तो 12 रोलर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं या 15 रोलर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मतलब कि कलर्स की उतनी लिमिटेशन होती है। लेकिन यहाँ पर आप अनलिमिटेड कलर्स चूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन भी आप अनलिमिटेड डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक डिज़ाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रिंट तो आपके सामने मौजूद भी है, एंड टू ऑल द गर्ल्स एंड टू ऑल द वुमेन आउट देयर, सारी ख्वातीन जो कि बेसिकली इस तरह के प्रिंट पहनती हैं, मैं उनको बताती चलूं कि ये जो प्रिंट अभी आपके सामने मौजूद है ये तरीकाकार है, इस तरह से कपड़ा बन रहा होता है और ये वो कपड़ा होता है जो बाद में आप अल्टीमेटली जब मार्केट में आता है तो पहन रही होती हैं। फिलहाल ये मैंने आपको दिखाया, पिछले आपको मशीन दिखाई, अभी चलते हैं आगे और इसका लास्ट स्टेप आपको दिखा दें। करने के बाद आई हैव रीच्ड दिस पॉइंट जहाँ पे पैकेजिंग बेसिकली हो रही होती है। ये जो पूरा सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये पैकेजिंग का सेक्शन है, और मेरे पीछे भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं लोग काम कर रहे हैं, मेरे दाएं जाने भी आपको और बाएं जाने भी इनफैक्ट नज़र आ रहा होगा, बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो पैक्ड हुए पड़े हुए हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पहले प्राइमरी पैकेजिंग होती है, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाती चलूँ, अगर आप ये देख रहे हैं ये बेडशीट आई गेस इसकी पैकेजिंग हुई हुई है, इसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। इसके बाद इसने बॉक्स में पैक होना है विच इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी पैकेज। सो इसको कह लेंगे पूरे प्रोसेस को ये पैकेजिंग में आ जाता है, और ये एक फैक्ट्री की कह लेंगे लास्ट स्टेप होता है, और यहाँ से इट्स रेडी टू गेट आउट ऑफ दिस होल थिंग।